हम आज बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, है ना। ऐसा हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर सॉल्यूट, ऐसा हमारा टॉपिक है। कई बार क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन बनता है, जैसे कि हमारी बॉडी का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है। हमारा बॉडी एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ही है, मतलब जो भी हमारे अंदर सेल के अंदर जो बोलते हैं ना, वो प्लाज्मा वगैरह जो भी रहता है सेल के अंदर, जो भी माल पानी रहता है ना, वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये ध्यान रखना। हमारा जो बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड ये वो सब एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ऐसा देखा जाए। अब सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होने के दो तीन रीजन है कि भाई सॉल्यूशन क्यों डाइल्यूट बन सकता है, उसके दो तीन अलग अलग रीजन है कि कब जाके सॉल्यूशन डाइल्यूट बनता है। तो सॉल्यूशन डाइल्यूट बनने का सबसे पहला रीजन ये है, मान लो आप ये देखें मोलारिटी, तो मोलारिटी क्या होता है 1000 × W2 / gmn × V mL। तो सॉल्यूशन के डाइल्यूट रहने के रीजन क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये है कंसंट्रेशन, है ना। मोलारिटी जो है वो क्या है, मेरा कंसंट्रेशन है। अब हम ये समझे कि मोलारिटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू W2 है, अगर बाकी का सब कांस्टेंट मान लिया जाए तो। इसका मतलब ये रहता है कि अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और सॉल्यूट कम रहेगा तो कंसंट्रेशन कम रहेगी, है ना। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट बहुत कम है, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट बहुत कम है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट रहा होगा, है ना, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कम रही होगी। दूसरा, अगर हम इसको ना देखें और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास को देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि मोलारिटी एंटी प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा सॉल्यूट होता है फिर भी कंसंट्रेशन, मतलब जो भी सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट रहता है ना, हम ज़्यादा सॉल्यूट डाल दें फिर भी कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती है ना। कई बार क्या है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक चम्मच के बदले दो चम्मच डालेंगे तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, है ना। मतलब एक चम्मच से दो चम्मच में कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, मतलब ये नहीं कि अलग अलग सॉल्यूट के लिए भी ये रूल काम करेगा। मान लो मैं एक चम्मच ग्लूकोज डाल रहा हूँ और सामने दो चम्मच शुगर डाल रहा हूँ, फिर भी जिसमें एक चम्मच ग्लूकोज है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 होता है और शुगर का मॉलिक्यूलर मास होता है 342, है ना। तो मॉलिक्यूलर मास लगभग डबल है उसका, है ना, जो शुगर है उसका ग्लूकोज से। तो ये रहेगा कि भाई अगर डेढ़ चम्मच शुगर है और एक चम्मच ग्लूकोज है, फिर भी एक चम्मच ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है डेढ़ चम्मच शुगर के मुकाबले, तो ये चीज़ें हो सकती है, है ना। तो हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कंसंट्रेशन को मॉलिक्यूलर मास से बहुत मतलब है। अगर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास है किसी सॉल्यूट का, कोई ऐसा सॉल्यूट है कि जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा है, है ना, तो फिर हमारा जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट रहेगा। सॉल्यूशन हम ये नहीं बोल सकते कि सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, सॉल्यूशन उस टाइम डाइल्यूट के जैसे ही बिहेव करेगा, समझ रहे हो ना चीज़ें। ओके, दूसरा ये है कि मोलारिटी प्रोपोर्शनल टू 1/Vml, मतलब ये निकल के आ रहा है अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, है ना, वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो भी कंसंट्रेशन कम ही रहेगी, है ना। वॉल्यूम अगर बहुत ज़्यादा है तो भी कंसंट्रेशन कम रहेगी, इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन हमें देखने को नहीं मिलेगी अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो। हमें यहाँ पे जिस चीज़ पे बात करनी है वो इस पे बात करनी है कि अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन कम होगी, है ना, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन कम होगी, और वैसे ही सॉल्यूशन हमारी बॉडी में होती है। हमारी बॉडी में क्या है कि सॉल्वेंट देखा जाए तो वाटर है, हमारी बॉडी में देखें तो जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, थोड़ा वायर भी बढ़ा रहा हूँ,
कार्बोहाइड्रेट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट्स जिसको पॉलीसेकेराइड के नाम से जानते हैं हम, है ना, या फिर हम बात करें लिपिड, है ना, लिपिड, या फिर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड, तो ये जो सब है वो हमारी बॉडी के सॉल्यूट है। आपको शायद पता हो, है ना, आपको शायद पता हो या ना भी हो, जो इधर ध्यान रखना, बात ये चल रही थी कि अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो मोलरिटी कम हो जाएगी और सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो मोलरिटी कम हो जाएगी और सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, ये बात हेड की थी। चलो, अब हमारी जो बॉडी है उसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर तो प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, ये सब सुबह मैंने बोला है, आपको याद होगा, सुबह का लेक्चर थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, है ना, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब हमारी बॉडी में होते हैं। किसमें होते हैं? हमारी बॉडी में होते हैं, समझ रहे हो, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में होती हैं। लेकिन आपको बायोलॉजी के जो भी टीचर रहे होंगे आपके, उन्होंने बताया होगा कि इन सब की मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होती है। ये जो कंपाउंड है, इनके जो भैया मॉलिक्यूलर मास है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा आपके बायोलॉजी में शिक्षक ने आपको बताया होगा। बहुत ही यानी बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होते हैं। अगर प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास आप देखेंगे तो लाखों में रहेगा, लिपिड का मॉलिक्यूलर मास हजारों में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूलर मास भी लाखों में रहता है। ये हमने तो सुना है, प्रोटीन का तो लाखों नहीं करोड़ों में रहता है मॉलिक्यूलर मास। तो इनके जो मॉलिक्यूलर मास है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, ये जो प्रोटीन है, लिपिड है वगैरह इनके। तो दिक्कत ये रहती है इनके इतने ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होने की वजह से, कि इतने ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास की वजह से ये जो सॉल्यूशन जो बनाते हैं उसकी मोलरिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास है और जो मोलरिटी है उसका रिलेशन कुछ इन्वर्सली प्रपोजल में चल रहा है। इसकी वजह से जो मोलरिटी है वो बहुत कम हो जाती है और सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है। तो ऐसे जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसके अंदर हम यही सोचते हैं कि पॉलीमर कंपाउंड प्रेजेंट रहा होगा। पॉलीमर यानी बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, ये जो प्रोटीन है ये बायो पॉलीमर है। प्रोटीन है तो क्या है? बायो पॉलीमर, है ना, तो ध्यान रखें कि जो प्रोटीन जो होता है वो तो क्या होता है? बायो पॉलीमर। बायो यानी बायोलॉजिकल और पॉलीमर यानी बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा है ना, उसको हम बोलते हैं बायो पॉलीमर। क्लियर? तो यही कहानी है कुल मिलाकर, कि जो भी पॉलीमर होते हैं या फिर बायोपॉलीमर होते हैं वो जब कभी भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो उनका मॉलिक्यूलर मास इतना ज़्यादा होता है कि जो सॉल्यूशन रहता है वो बहुत ही डाइल्यूट बन जाता है। और ऐसे डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर हम ये सोच लेते हैं कि जो भी सॉल्यूट रहा होगा वो पॉलीमर ही रहा होगा, और उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए अलग अलग चार टेक्निक्स का यूज़ किया गया था, कि कोई भी पॉलीमर है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमने चार मेथड यूज़ की थी। तो उन चार मेथड के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें आपको मेथड समझाना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाय विपुल, ग्रुप में लिंक भेज देना फिर से एक बार वंस मोर।
देखो यहाँ पे बात ये है कि जो भी पॉलीमर है ना, पॉलीमर कंपाउंड उनका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए चार टेक्निक का यूज किया गया था। जो भी पॉलीमर कंपाउंड है उनका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए चार टेक्निक का यूज किया गया था। अभी आपको समझना रहेगा कि पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कैसे कैसे चार टेक्निक यूज की गई थी, ये आपको समझना पड़ेगा। और कोई चारा ही नहीं है आपके पास ये सब समझने के अलावा। तो देखिए अभी कि जो पॉलीमर कंपाउंड है उनका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कैसे कैसे चार टेक्निक यूज की गई थी। तो सबसे पहले यूज किया गया था इसके लिए वेपर प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर का यूज करके, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका यूज करके हमने ये सोचा कि पॉलीमर कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास निकाले जाए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस बात का यूज करके हमने ये सोचा कि मॉलिक्यूलर मास निकाले जाए। तो इसमें किस प्रकार से काम किया गया था वो आपको समझा दे रहा हूँ। तो किया ये गया था कि भाई हम क्या कर रहे थे, एक सॉल्यूशन बना रहे थे, है ना, एक सॉल्यूशन बना रहे थे, एक बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन बना रहे थे, मतलब एक छोटा सा बीकर ले रहे थे और एक सॉल्यूशन बना रहे थे उसके अंदर, और उसके अंदर हमने एक पॉलीमर डाल दिया। पॉलीमर यानी समझ लो प्रोटीन ही डाल दिया, ऐसा कुछ कर दिया, है ना, मतलब प्रोटीन वगैरह कुछ डाल दिया मतलब पॉलीमर के हिसाब से, है ना, मतलब यहाँ पे प्रोटीन या ऐसा कोई आइटम हमने डाल दिया। चलो तो प्रोटीन वगैरह हमने डाल दिया है, तो हुआ ये हमें जैसे आईडी पासवर्ड डाले ऐसे करता है। चलो तो जो प्रोटीन है बराबर वो हमने अंदर डाल दिया, और दूसरा हमने ये किया कि भाई एक सॉल्यूशन बना दिया। फिर हमने ये देखा कि इसके जो वेपर प्रेशर है बराबर उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो चेक किया, है ना। तो जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था उसका हमने यहाँ पर मतलब स्टडी किया कि उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, वेपर प्रेशर के अंदर क्या बदलाव हो रहा है वो चेंजेस देखे हमने। लेकिन आपने बायोलॉजी शायद पढ़ा हो, शायद से सुना हो बायोलॉजी में ऐसा कि जो प्रोटीन होता है या फिर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना चाहिए। ज़्यादा टेम्परेचर देने से वो डी नेचुरलाइज हो जाता है, मतलब वो अपना जो नेचुरल जो उसका फॉर्म है उसको लॉस्ट कर देता है। मान लो आप प्रोटीन है उसको ज़्यादा टेम्परेचर में हीट कर रहे हो तो प्रोटीन डी नेचर हो जाता है। डी नेचर मतलब अपना जो कुदरती स्वरूप है, नैसर्गिक स्वरूप है उसको खो देता है, समझ रहे। अभी हमें यहाँ पे वेपर प्रेशर पैदा करना है ना, वेपर बनानी है, तब जाके रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर फार्मूला काम करेगा। तो वेपर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेपर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हीट करना ही पड़ेगा, है ना। चलो वेपर बनाने के लिए हमें इसको हीट करना ही पड़ेगा।
तो इसको हीट करेंगे तो प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाएगा, तब जाके प्रोटीन की वेपर बनेगी। मतलब जब प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा तब जाके प्रोटीन की क्या बनेगी, वेपर बनेगी। और फिर हम उसमें प्रोटीन ऐड करेंगे, है ना, तब जाके हम उसमें प्रोटीन ऐड करेंगे। और जब प्रोटीन ऐड करेंगे तब उसका वेपर प्रेशर में क्या लोअरिंग हो रहा है वो हम चेक करेंगे, समझ गए। और फिर हमें उसका मॉलिक्यूलर मास पता चलेगा। मतलब कि हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे फिर मॉलिक्यूलर मास के लिए, P01 - P1 डिवाइड बाय P01 इज इक्वल टू W2 इनटू M1 डिवाइड बाय W1 इनटू M2, है ना। तो ये क्या है, ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये जो है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P01 - P1 डिवाइड बाय P01। ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और दूसरा है W2 × W1। यहाँ से वेज है, मॉलिक्यूलर मास है ना। कशु आगे नहीं है बराबर, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है, वेज है वगैरह सब है, क्लियर। तो यहाँ से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो इसका सॉल्यूट, और हम यही देख रहे हैं सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालने की टेक्निक क्या थी। तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालने की जो सबसे पहली टेक्निक थी वो ये थी, है ना। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालने की सबसे पहली टेक्निक ये थी, लेकिन ये टेक्निक में एक प्रॉब्लम था कि मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें प्रोटीन की वेपर बनानी पड़ेगी, और प्रोटीन की वेपर बनाने के लिए हमें प्रोटीन को डीनेचर्ड करना पड़ेगा, मतलब उसको मार देना पड़ेगा। तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए उसकी हत्या कर दी जाए, इसीलिए इस मेथड को मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए यूज नहीं किया जाता। देखो मेथड तो है ये मॉलिक्यूलर मास निकालने की, लेकिन इसका उपयोग बहुत कम होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें प्रोटीन की हत्या करने की आवश्यकता है, है ना। जब उसको मारना पड़ता है, प्रोटीन को डीनेचर करना पड़ता है, तब जाकर उसका वेपर बन के हम उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो ये एक अच्छा मेथड नहीं माना गया है, क्लियर। चलो ये पहली मेथड अच्छी नहीं मानी गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरी मेथड समझाता हूँ। दूसरा जो मेथड है वो समझे, दूसरा मेथड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसके ऊपर से मॉलिक्यूलर मास डिसाइड किया जाए कि भाई इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें कितना एलिवेशन हो रहा है, वो डिसाइड करके हम मॉलिक्यूलर मास को डिसाइड करें। ये दूसरा मेथड था। ये मेथड भी इतना अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन करने के लिए भी कहीं ना कहीं उसको हीट करने की ज़रूरत पड़ती है। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन यानी कि उसको उस बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाना और ऊपर से थोड़ा हीट करना ताकि पता चले कितना एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट में। तो फिर से यहाँ भी हत्या का मामला है, वही चीज़ फिर के निकल के फिर से निकल के आती है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी प्रोटीन की हत्या ही करनी पड़ेगी। प्रोटीन को अपने बॉइलिंग पॉइंट पे लेके जाना पड़ेगा, और बॉइलिंग पॉइंट पे लेके जाने के बाद भी उसमें एलिवेशन कितना हो रहा है ये देखना पड़ेगा। ये तो ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे फिर से प्रोटीन डीनेचराइज होगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर बड़े जो पॉलीमर होते हैं, जो बड़े पॉलीमर हैं, इनके लिए अगर हम डेल्टा TB और TF की वैल्यू निकाल भी दें, उनके लिए अगर डेल्टा TB या फिर डेल्टा TF
अगर ये वैल्यू हम निकालने भी जाएंगे तो उनकी जो डेल्टा टी एफ और डेल्टा टी बी की वैल्यू है वो 10^-5 कैलोरी मिलती है ना, 10^-5 कैलोरी मिलती है, मतलब उनके अंदर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। अभी समझो 10^-5 कैलोरी मतलब क्या एलिवेशन हुआ, वो बजाने का आता है वो एलिवेशन हुआ, मतलब कुछ एलिवेशन हुआ ही नहीं है बॉइलिंग पॉइंट, है ना। चलो यानी कि हम बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा, 0.0001 है ना, तो ये कोई एलिवेशन है क्या है, ये कोई बॉइलिंग पॉइंट में होने वाला एलिवेशन है क्या, तो हम इसको बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन नहीं बोल सकते। और एलिवेशन की इतनी छोटी वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं, इतने एलिवेशन को हम एलिवेशन गिनते ही नहीं। मान लो अगर किसी का टेम्परेचर 373 कैलोरी है, उसका टीपी 373 कैलोरी है, उसका टीपी 0, और जब हम उसका टीपी निकालने जाए, जब हम उसका टीपी निकाल मतलब उसका डेल्टा टीपी हम निकालने जाए तो वो हमें मिल रहा है 0.00001 मिल रहा है। चलो एक 0 कम करते हैं तो 0.01 मिल रहा है, उसमें इतना एलिवेशन मिल रहा है। अब कोई हमसे पूछे कि इसका टीपी बताओ सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, तो हम ये लिखेंगे कि टीपी 0+ डेल्टा टीपी, है ना। तो क्या हम ऐसे लिखेंगे कि 373.0001 ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं लिखते हम, है ना। इस वैल्यू के सामने ये इतनी छोटी वैल्यू है जिसको लिखने में भी हमें शर्म महसूस होती है, इतनी शर्म आती है कि हम किसी को मुंह नहीं दिखा सकते, क्लियर। तो ये प्रोटीन की दिक्कत ये है कि ये जो प्रोटीन लोग जो है उनके अंदर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, पूछो मत, बहुत छोटा होता है ना, जिसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ फिक्स हत्या का मामला तो रहेगा ही रहेगा, है ना, क्लियर। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी इतना सक्सेसफुल नहीं माना गया है। चलो ये नहीं पूछा कि इसकी हेल्प से हम मॉलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, है ना, ये तो आपने पूछा नहीं। हाँ वही जो निनेश ने भेजा, प्रवीण ने भेजा, उसी की बात कर रहा था मैं। चलो तो ये ध्यान रखें कि डेल्टा टीबी के ऊपर से हम मॉलिकुलर मास कैसे निकाल सकते थे, है ना। तो ऐसे निकाल सकते थे कि एफ इज इक्वल टू तोबा तोबा पता है ना आपको, डेल्टा टी बी इनटू जीएमएम इनटू W1 डिवाइड बाय 1000 इनटू W2। अगर अल्लाह की मेहरबानी से सब वैल्यू आपके पास है जीएमएम के सिवा, है ना, मतलब के एफ की वैल्यू है, डेल्टा टी बी है, ये है, W2 है, W1 है, तो आप यहाँ से आराम से जीएमएम निकाल सकते थे पॉलीमर कंपाउंड का। लेकिन दिक्कत ये है कि इसके लिए हमें डेल्टा टी बी लाना पड़ेगा प्रोटीन का, प्रोटीन या फिर पॉलीमर कंपाउंड का या फिर बायोपॉलीमर का। तो बायोपॉलीमर का डेल्टा टी बी लाते वक्त बायोपॉलीमर की हत्या हो जाती है, पहला तो प्रॉब्लम ये है, मतलब उनको हीट करना पड़ता है और वो लोग है ना हीट सहन ही नहीं कर पाते बायोपॉलीमर। और दूसरा कि उनका जो डेल्टा टी बी है ना वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे इतना छोटा है, तो इतनी छोटी वैल्यू को रख के हम यहाँ पे अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते, इसीलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेथड को भी इतना अच्छा नहीं माना गया है। तो दूसरी मेथड भी हमारे लिए रिजेक्ट होती यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो पहली मेथड रिजेक्ट हो गई क्योंकि हम प्रोटीन को वेपर फॉर्म में नहीं ले जा सकते, वो डी नेचर हो जाएगा। दूसरी मेथड रिजेक्ट हो गई इसलिए क्योंकि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू इतनी छोटी मिल रही है कि बहुत छोटी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। जी सामने
तीसरी जो मेथड है ना मॉलिक्यूलर मास डिसाइड करने के लिए जो तीसरी मेथड बनाई गई है ये उसको समझो ना। मॉलिक्यूलर मास डिसाइड करने के लिए तीसरी जो मेथड बनाई गई है उसे थोड़ा समझे। थर्ड मेथड के नाम से जिसको जाना गया है मॉलिक्यूलर मास डिसाइड करने के लिए, तो वो तीसरी जो मेथड है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरी जो मेथड है उसका नाम है डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में जब डिप्रेशन आता है उसकी हेल्प से भी हम मॉलिक्यूलर मास डिसाइड कर सकते हैं। ये हमारी तीसरी मेथड है। अभी इस मेथड में क्या बताया गया है तीसरी मेथड में उसको भी थोड़ा समझे। तो ये बताया गया है कि आपके पास के एफ का एक फॉर्मूला है, के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एम डिवाइड बाय जी एम एम एन टू डब्ल्यू वन डिवाइड बाय 1000 × W2। तो यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि जब इस फॉर्मूले को रख के हम यहाँ से मॉलिक्यूलर मास अगर निकालने गए है ना, किसकी किसकी आईडी है वो ये चलो ये बताओ, किन किन बच्चों की आईडी है कोई है, जिन भी बच्चों की आईडी है कोई है वो अपनी आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। सबसे पहली तो ये बात है ना, तो पासवर्ड बहुत स्ट्रांग रखें। मान लो मैं अपनी आईडी के पासवर्ड कैसे रखता हूँ, एक एग्जांपल से दिखा रहा हूँ, 9294@ #SAGAR है ना, इस साइट का थोड़ा बहुत पासवर्ड रहता है मेरा। ये इसके अंदर भी ये तो नॉर्मल पासवर्ड है जो मेरी सबसे पहली आईडी मैंने बनाई थी उसका, ट्राई मत करना अभी ये किसी आईडी का पासवर्ड है नहीं मेरा। मतलब ऐसे पासवर्ड होते हैं कि जिसके अंदर नंबर भी होते हैं, स्पेसिफिक नंबर भी होते हैं और अल्फाबेट्स भी होते हैं। उसके अंदर कोई भी अल्फाबेट आप कैपिटल रखो, पहले वाला या लास्ट वाला, वैसा कुछ कर सकते हो है ना, ताकि आपकी आईडी हैग ना हो है ना। हाँ, रोज चेंज करना पड़ता है पासवर्ड, क्लियर। जैसे चट्टी चेंज करते हो ना रोज नहाने के बाद, वैसे पासवर्ड भी चेंज करना पड़ता है रोज लेक्चर पढ़ने के बाद। डायलॉग समझ में आ रहा है, तो ये ध्यान रखो। ये जो के एफ है ना, ये के एफ और पासवर्ड अपनी ईमेल आईडी में सेव नहीं कर पाए है ना, पासवर्ड कभी भी अपनी ईमेल आईडी में सेव नहीं कर पाए। अगर आप ईमेल आईडी में पासवर्ड सेव करोगे तो आपका ईमेल आईडी जिसके पास होगा है ना उसके पास हर बार पासवर्ड जाता रहेगा। दूसरा ये है कि ईमेल आईडी का भी पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए इंसान थोड़े थोड़े समय। चलो दूसरा देखो अभी एफ में क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है ना। तो इसमें दिक्कत ये है कि जो जीएमएम है जो मॉलिक्यूलर मास है ना, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें यहाँ पे डेल्टा टी एफ की जरूरत पड़ेगी। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें यहाँ पे डेल्टा टी एफ की जरूरत पड़ेगी। तो फिर से प्रॉब्लम यह है कि डेल्टा टी एफ लाने के लिए हमें प्रोटीन को फ्रीज करना पड़ेगा। प्रोटीन को फ्रीज करना पड़ेगा मतलब प्रोटीन को ठंडा करना पड़ेगा उसका डेल्टा टी एफ लाने के लिए। और बायोलॉजी ये कहता है कि अगर प्रोटीन को फ्रीज किया जाए, उसको ठंडा किया जाए, तो उसके अंदर जो भी केमिकल जो रिएक्शन
डाइजेशन चलती रहती है, मतलब प्रोटीन की, वो स्टॉप हो जाती है और हमारा जो प्रोटीन है वो इनर्ट फेज में चला जाता है। उससे उसके कारण बॉडी के फंक्शंस पे इफेक्ट आती है। तो हम मॉलिकुलर मास निकालने के लिए प्रोटीन के ऊपर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि उसको ठंडा कर दे, उसको क्रिस्टलाइज कर दे, है ना। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो डेल्टा टी एफ की वैल्यू है वो छोटी वैल्यू मिल रही है। मैंने पहले ही बता दिया था डेल्टा टी बी के साथ 10^-5 कैलोरी का जो वैल्यू मिल रहा है, इतना छोटा वैल्यू है कि उस वैल्यू को याद रखने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो थर्ड मैथड है वो भी हम रिजेक्ट करते हैं। मॉलिकुलर मास की भी ये मैथड भी हम अच्छी नहीं मानते। देखो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, है ना, बुक सेट में भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से नीट में भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन यही आते हैं कि भाई जो पॉलीमर कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास ऑब्टेन करने के लिए, पॉलीमर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ऑब्टेन करने के लिए कौन सी मेथड को क्यों रिजेक्ट किया गया है ना। तो वेपर प्रेशर को डीनेचराइजेशन से बचने के लिए डेल्टा टी एफ और डेल्टा टी बी की वैल्यू इतनी छोटी थी कि उस वैल्यू को रखने से इग्नोरेबल आंसर आ रहा था, इसीलिए। अब चौथी मेथड के ऊपर बात करते हैं। जो चौथी मेथड है उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड, है ना। जो चौथी मेथड है उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड, है ना। जो चौथी मेथड है उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंडेंट मेथड। अभी ये ध्यान रखें, ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंडेंट जो मेथड है ना, कर रहे हैं ना प्रोटीन का, चलो ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंडेंट जो मेथड है इसको बेस्ट माना गया है। इसको कैसा माना गया है? बेस्ट। और यही एक मेथड है जिससे हम पॉलीमर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। ये ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट मेथड फॉर ऑब्टेनिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ बायोपॉलीमर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिजम्स, क्लियर। उसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए इसको बेस्ट मेथड माना गया है। इसके खुद के कुछ फायदे हैं। क्या फायदे हैं मैं आपको लिखवा रहा हूँ। सबसे पहला फायदा कि दिस मेथड इज वर्किंग एट रूम टेम्परेचर। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जो मेथड है वो रूम टेम्परेचर पे काम करता है। रूम टेम्परेचर पे काम करता है यानी कि हमें नहीं तो टेम्परेचर इंक्रीज करना है, नहीं तो टेम्परेचर डिक्रीज करना है। रूम टेम्परेचर पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल के इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर पे जो प्रोटीन को कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर तो वो डीनेचराइज वाली और इनर्ट होने वाली कोई बात नहीं रही। ये इसका पहला फ़ायदा है। दूसरा फायदा ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर उसको हम मिली बार के अंदर मेजर कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किसको मेजर कर सकते हैं? मिली बार। अब देखो मिली बार बहुत ही छोटा यूनिट है ना, मिलीग्राम कितना छोटा यूनिट है। कोई आपको बोले कि मैं तुम्हें 10 मिलीग्राम ये दूंगा, आपको आनंद ही नहीं आएगा कि 10 मिलीग्राम आई है ना। तो मिलीग्राम की जगह छोटा यूनिट है मिली बार। यहाँ पे आप ऑस्मोटिक प्रेशर की छोटे से छोटी वैल्यू को कैलकुलेट भी कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे हमने ये बोला था ना डेल्टा टी बी, उसमें 10^-5 कैलोरी उसको हम इग्नोर कर रहे थे क्योंकि वो छोटी वैल्यू हमारे लिए काम की नहीं थी। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर में छोटी वैल्यू को छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करके बड़ा बनाया जाता है। मान लो कभी वैल्यू छोटी है और उसका यूनिट भी छोटा होगा तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ऐसे ऑस्मोटिक प्रेशर को मिली बार में कन्वर्ट करके हम बड़ा बना के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक फायदा है। तीसरा फायदा है कि इसके अंदर हम मोलारिटी का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करते हैं मोलारिटी। देखो बाकी समय मोलारिटी यूज़ होती है, आपको पता होगा। ये जो डेल्टा टी बी था, डेल्टा टी एफ था, आपको याद होगा कि डेल्टा टी बी है तो प्रपोज कर टू मोलारिटी थी,
सपोज लड्डू मोला लिट्टी था, इन सब में मोला लिट्टी यूज होती और इसमें मोला रेटी यूज होती, तो इसका भी एक अपना फ़ायदा है कि मोला रेटी जो है वो ईजियर मैथड है, मतलब थोड़ा ईजी है कैलकुलेशन करना, क्योंकि मोलारिटी का फॉर्मूला थोड़ा अच्छा है। मोलारिटी में हमें सॉल्वेंट में जाना पड़ता है, इससे अच्छा है सॉल्यूशन से ही काम हो जाता है मोलारिटी में, है ना। विपुल ने चाले तो ये रोज अकाउंट पढ़ चेंज करे जाए, आपने तो हैक करके लगा हैकर, अपने तो हैक करने लगा हैकर, तो क्या करे। ओहो मोडिया मैडी, चलो मेजर उसका स्पेलिंग अलग है ना, मेजर का स्पेलिंग एम ई ए एस यू आर ई ऐसा कुछ है, है ना, तो आप उसको मिली बार में भी मेजर कर सकते हो। दूसरा ये है कि यहाँ पे मोलारिटी यूज होता है, उसका ये फायदा है कि वो इजी मेथड है और मोलारिटी सबको पता होता है, बहुत पॉपुलर मेथड है ना। तो तीन फायदे हैं, रूम टेम्परेचर पे काम होगा, मिली बार में भी मेजर कर सकते हैं मोलारिटी पे है, और दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करना ईजी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना थोड़ा टिपिकल होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बहुत टिपिकल है, वेपर प्रेशर उससे भी टिपिकल है निकालना, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना एकदम ईजी है। आप एक पोटेटो लेके आपको सिखाया जाएगा बायोलॉजी में, अगर प्रैक्टिकल करवाएंगे तो, आप एक पोटेटो लेके उस पोटेटो को काट के उसके अंदर एक छेद जैसा बॉक्स बना के उसके अंदर पिन बिन लगा के थोड़ा पानी वानी भर के ऑस्मोमीटर बना सकते हो, और जो ऑस्मोमीटर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिखा देगा। मात्र 5 रुपये के खर्चे में तैयार होता है ये ऑस्मोमीटर, जिससे हम ऑस्मोटिक प्रेशर आराम से मेजर कर सकते हैं, क्लियर। तो ये फायदे हैं। अभी इसका फार्मूला क्या है वो ध्यान रखना है, तो इसका फार्मूला है पाई इक्वल टू डब्ल्यू आर पी डिवाइड बाय जी एम एम इन टू वी, ये फॉर्मूला है इसका, I इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी इज इक्वल टू डिवाइड बाई जी एम एम इन टू वी वॉल्यूम। और मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, मुझे अभी याद आया कि मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर खाली थियरी पढ़ाई थी 15 अगस्त के दिन, लेकिन मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले नहीं समझाए थे, गुजराती मीडियम वालों को समझाए थे, लेकिन गलती से मेरे दिमाग में आपके रह गए, इसीलिए मैंने ये थियरी पहले ले ली, ये थियरी पहले नहीं लेनी थी वास्तव में, लेकिन कोई नहीं, अभी आप समझदार हो, समझ गए होंगे, है ना। ओके समझ गए, चल हाँ मुझे याद करवाना, हम कर देंगे लैब में, मुझे आता है ऑस्मोमीटर बनाना, है ना। आप खाली मक्का के पास से मेरे को पोटेटो ला के देना, पाई जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, डब्ल्यू है वो वेट ऑफ सॉल्यूट, आर गैस कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर है, जी एम एम मतलब हमें जो मॉलिकुलर मास निकालना है वो जी एम एम है, और वॉल्यूम वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है लीटर के अंदर, क्लियर। और यहाँ से जो हमें मॉलिकुलर मास मिलता है वो बहुत परफेक्ट मिलता है, और ये मॉलिकुलर मास डिटरमाइन करने की सबसे बेस्ट मेथड मानी गई है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछना है कि व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज द बेस्ट फॉर ऑब्टेन मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर कंपाउंड, बिकॉज वी कैन मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो वी कैन मेजर इन वेरी स्मॉल यूनिट लाइक मिलीबार, सेंटीबार एक्सेट्रा, एंड इन दिस method we have to use concentrations in molarity, and molarity is very easy and popular method, so we can conclude that osmotic pressure method is very very easy and best method for obtaining molecular mass of biopolymer, and baki three methods are not good, not extraordinary as like
osmotic pressure method. Understand? English constant. 1 minute में देखा चल तेरी याद आती है पर तू क्यों आती नहीं. चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं निकाल रहा हूँ उसको. स्क्रीनशॉट निकाल लो, अरे स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, निकाल रहा हूँ इसको. तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद न आए ऐसा कोई तेरे. मोहन सिंह बोल रहा है यार आ रही है बिल्कुल, उसको गुस्सा कर रहा है बेचारे. ये थी मॉलिक्यूलर मास निकालने की कुछ टेक्निक, है ना, जिसके बारे में मैंने आपको बताया समझाया. और यहाँ पे आगे बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे. देखो ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने उस दिन आपको अच्छे से समझा दिया था, ये मैं बोल सकता हूँ कि उस दिन एक दिन मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर अच्छे से समझा दिया था. और उसमें मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी आपको, बायोलॉजी पूरा समझाया था उसके अंदर. मैंने आपको शायद SPM के बारे में बताया होगा, है ना. SPM यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके अंदर अलग अलग मेम्ब्रेन की बात की होगी. यूरेथ्रा फ्लोर, एग मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, पार्चमेंट पेपर, बटरफ्लाई पेपर, सेलोफेन पेपर, और मैंने सबसे बेस्ट जो है ओपर फेरोसाइनेट, उसके ऊपर भी बात किया होगा आपको. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर मैंने दो सॉल्यूशन दिए होंगे, ए सॉल्यूशन बी सॉल्यूशन. इसके अंदर मैंने लोअर कंसंट्रेशन दिया होगा, लो कंसंट्रेशन, इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन. तो होता ये है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो मूव करता है. वन मूव करता है सॉल्वेंट पार्टिकल, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं. और ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस को इनिबिट करने के लिए हम यहाँ पे एक प्रेशर लगाते हैं. और जिस प्रेशर पे हम ऑस्मोसिस को रोक पाए, है ना, जिस प्रेशर पे हम ऑस्मोसिस को रोक पाए, मतलब हम यहाँ पिस्टन से प्रेशर लगाते हैं. पिस्टन मतलब जो गाड़ी में भी होता है, कार में, बाइक में, सब में होता है. पिस्टन का काम है प्रेशर लगाना, यही काम है पिस्टन. तो पिस्टन की हेल्प लेके हम यहाँ पे प्रेशर देते हैं. वो तो प्रेशर से क्या होगा कि सॉल्वेंट पार्टिकल इस तरफ आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी. उसी प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं. कई बार क्या करते हैं, हम ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर देते हैं, है ना. कई बार क्या करते हैं, हम ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर देते हैं. तो क्या होगा, सॉल्वेंट इसके बदले इस तरफ जाएंगे, है ना. मतलब सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा. और इसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं. इसको किस नाम से जानते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो RO प्लांट में यूज होता है, जो हमारा प्योरीफाई होता है ना, कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी, है ना. हेमा मालिनी और उसकी दो बच्चियों के साथ आपने एड देखा होगा ही, जो RO प्लांट होता है ये, उसके अंदर ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस है इसका यूज़ किया जाता है. और जो वाटर होता है सी वाटर, जो बहुत ही सलाइवरी वाटर जिसको बोला गया है, सॉल्टी वाटर, उसको प्योर वाटर में कन्वर्ट करने के लिए ये जो RO है, रिवर्स ऑस्मोसिस है, इसका यूज़ किया जाता है. इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, महंगी मेथड है, क्लियर. इसीलिए आपने देखा होगा RO प्लांट 5-6 हज़ार, 7-7 हज़ार, 8 हज़ार, 15 हज़ार, है ना, इतने महंगे आते हैं. इसकी सर्विस का भी ज़्यादा खर्चा रहता है, 2000-3 हज़ार, क्लियर. तो ये सब मैंने अगर आपको पहले बताया हुआ है तो हाँ लिख दो कमेंट में, और अगर नहीं बताया हुआ है तो हाँ लिख दो, ताकि मुझे पता चले कि इस टॉपिक में मुझे कितना टाइम स्पेंड करना है. देखो फिर से कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ.
ऑस्मोसिस समझाया था, इससे कोई ना नहीं बोल सकता। ऑस्मोटिक प्रेशर भी समझाया था, ऑस्मोटिक प्रेशर कौन से बीकर पे लगाया जाता है वो भी मैंने आपको समझाया था, उसके एमसीक्यू भी करवाए थे, ऐसा भी पूछा था ये ए वाला बीकर है ये बी वाला बीकर है किस पे ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा, जिसके ऊपर जिसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होंगे उसके ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा। ये गलत बात है किरण, मोहन सिंह और मिनेश, मेरे को वो भी याद है कि ये जो वीडियो लेक्चर है वो मैंने 15 अगस्त के दिन लिया है और उसके अंदर मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर की बात की है। ना बोलना है ना बोल दो, आप कुछ भी बोल दो, लेकिन मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर पे 15 अगस्त के वीडियो लेक्चर पे बात की है। फेसबुक में ही है वीडियो लेक्चर, आप निकाल सकते हो, देख सकते हो वीडियो लेक्चर, क्लियर। हाँ, आर ओ नहीं समझाया ये मैं मानता हूँ, लो मान लिया हमने कि आर ओ हमने नहीं समझाया, बाकी ये तो गलत है कि हमने ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपको नहीं समझाया, ऐसे मत करो, बुरा लगता है। आर ओ अभी बता रहा हूँ आर ओ, देखो आर ओ क्या होता है, आर ओ होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, आर ओ होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, फिर से यही डायग्राम बना देते हैं, जो अपना एक डायग्राम है वही बना देते हैं। यहाँ पे एसपीएम रहते हैं सेमी पर्मिएबल मेंब्रेन में, है ना, मान लो इस तरफ हो रही है ऑस्मोसिस, इस तरफ क्या हो रही है ऑस्मोसिस, इसके ऊपर एटीएम कितना प्रेशर होगा एनवायरमेंट का प्रेशर, इसके ऊपर भी पी एटीएम कितना एनवायरमेंट का प्रेशर होगा, इस तरफ ऑस्मोसिस हो रही है, ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए हम यहाँ पे पाइप जितना प्रेशर लगाएंगे, पाई जितना जो प्रेशर लगाते हैं उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अभी क्या होगा कि पाई जितना प्रेशर लगाने से यहाँ पे जो ऑस्मोसिस है वो स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे पिस्टन लगा रहे हैं ना, एक घटिया सा पिस्टन लेके यहाँ पे पिस्टन लगा के इसको और प्रेशर पे ऐसा करके, है ना, ज़्यादा प्रेशर दिया जाए तो होगा ये कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो इस तरफ मूव करने लगेंगे, मतलब हायर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से लोअर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेंगे। जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, और जो रिवर्स ऑस्मोसिस है वो आर ओ प्लांट, आर ओ जो प्लांट है उसका मतलब ही है रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट, मतलब ऐसा प्लांट जो बैठे प्रेशर लगा के रिवर्स ऑस्मोसिस कराए, उसी प्लांट का नाम है आर ओ प्लांट, क्लियर, और कुछ नहीं है। और आपको पूछेगा कि भाई जो सलाइवल वाटर है, जो सी वाटर है, दरिया का जो पानी है, और मैंने है ना इसमें सी का स्पेलिंग भी गलत लिखा था और जसपाल ने मेरे को करेक्ट करवाया था, वो भी मेरे को याद है, पागलो वो देख लेना मेरा वीडियो लेक्चर, मैंने उस पर सी का स्पेलिंग गलत लिखा था और जसपाल ने मेरे को सही करवाया था। ये तो सी वाटर को मिनरल वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। अरे क्लीन कैसे होगा पानी, पागल इंसान है क्या, चलो देखो समझा रहा हूं कैसे क्लीन होगा पानी, पानी कैसे क्लीन होगा, है ना, मोर सिंह कई क्वेश्चन, पानी को कैसे क्लीन किया जाए, हाउ टू क्लीन वाटर, है ना, देखते हैं पानी कैसे क्लीन होता है। तो हम ये करते हैं आर ओ प्लांट के अंदर, मतलब ये हम समझ लो एक प्योर वाटर है हमारे पास, है ना, प्योर वाटर, दूसरा जो है वो है सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर मोडिया, समझ लेना, है ना, एक प्योर वाटर है दूसरा है सॉल्टी वाटर। चलो अब देखो क्या होता है, पहले देखो कंसंट्रेशन इसकी सी वन है, इसकी कंसंट्रेशन सी टू है, चलो ये बताओ किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, सी वन का ज़्यादा होगा सी टू का ज़्यादा होगा, आए बताओ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा सी वन, है ना, सी टू का कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है क्योंकि ये प्योर वाटर है। चलो देखो
बात ये है कि ऑस्मोसिस इस तरफ होने लगेगी, है ना, ऑस्मोसिस इस तरफ होगी, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्या जाएगा, पानी जाएगा, है ना। तो ध्यान रखो, लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ कौन भागेगा, पानी। चलो अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर वेपर, मतलब इसके ऊपर पाई जितना प्रेशर लगाएंगे, मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे, जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे पानी इस तरह भागता बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस बंद हो जाएगी, है ना, ऑस्मोसिस बंद हो जाएगा तो पानी इस तरह अब नहीं आएगा। फिर हमने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर लगाना स्टार्ट किया। और ध्यान रहे बॉडिया, ये SPM है, है ना, SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मर जाएगा, मिट जाएगा, फट जाएगा, लेकिन सॉल्यूट को नहीं जाने देगा, सॉल्वेंट को ही जाने देगा, ध्यान रखना। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाना स्टार्ट किया, है ना, एक्सटर्नल प्रेशर, EXTER करके कुछ ऐसा स्पेलिंग आता है इसका। हमने जब इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाया तो यहाँ पे सॉल्टी वाटर, मतलब इसके अंदर सॉल्ट हो गए, NaCl, KCl और भी बहुत सॉल्ट हो गए, और साथ में वाटर हो गया, ज़्यादा प्रेशर लगाने से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाएंगे, मतलब यहाँ से यहाँ जाएंगे, प्रेशर ज़्यादा डालने से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसलिए मात्र कौन जाएगा, इसलिए केवल और केवल कौन जाएगा, सॉल्वेंट पार्टिकल, मतलब पानी के पार्टिकल उस तरफ जाएंगे। वैसे वैसे यहाँ पे जो प्योर वाटर है उसको क्वान्टिटी बढ़ता जाएगा, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नल लगा देंगे, है ना, नल तो समझ रहे हो ना, अबे नल्ले नल, वो चकली आती है ना उसकी बात कर रहा हूँ, वो लगा देंगे और यहाँ से गिलास भर भर के पानी पिएंगे, और वो जो पानी है बिल्कुल प्योर होगा, एकदम प्योर, समझ रहे हो, काहे प्योर होगा, यहाँ से प्रेशर लगा के बहुत प्रेशर से इस तरफ भेजा जा रहा है पानी, है ना, समझ गए ना, हाँ, टस के पौड़ी भरवा गई थी, चलो तो यही है, गीत सुना है लेकिन गाना नहीं आता मेरे को। तो ऐसे काम करता है RO प्लांट, बोडिया की रिक्वेस्ट पे मैंने ये भी आपको बता दिया है ना। RO प्लांट में ऐसा होता है, लेकिन RO प्लांट में ऐसा नहीं होता है, RO प्लांट में क्या होता है कि ऐसे दो सिलेंडर होते हैं एक दूसरे के अंदर, RO प्लांट की बात करता हूँ, उसके अंदर दो सिलेंडर होते हैं RO प्लांट के अंदर, यहाँ पे गंदा पानी होता है RO प्लांट के सिलेंडर में, ये जो अंदर वाला सिलेंडर इसमें गंदा पानी होता है, और बाहर वाले सिलेंडर में प्योर वाटर होता है, ये ध्यान रखना। RO प्लांट ओरिजिनल RO प्लांट की बात कर रहा हूँ, कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी, उसकी बात कर रहा हूँ, मोर सिंह ने ये लिख दिया कि अच्छा समझाया है, इसीलिए रियल चीज समझा रहा हूँ, ये खाली मैंने ऐसे पिकर में समझाया, रियल में प्लांट की बात करता हूँ, जो कैंट आता है ना आपका गोल मटोल, उसकी बात करता हूँ, उसके अंदर ऐसे दो सिलेंडर होते हैं, एक सिलेंडर अंदर होता है, एक सिलेंडर बाहर होता है, आपके घर पे RO प्लांट अगर रहेगा और कभी सर्विस वाला आपके घर आया होगा तो उसने ऐसा सिलेंडर साफ करके दिखाया होगा, और बताता भी है कि देखो ये कितना कचरा है, कितना सॉल्ट है, ऐसा बताते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर सॉल्टी वाटर को डालते हैं, फिर जो RO होता है ना उसके अंदर यहाँ पे पिस्टन लगा होता है, वो पिस्टन यहाँ से हवा फेंकता रहता है, दबाव डालता रहता है, ताकि यहाँ से सॉल्टी वाटर, और ये SPM होता है, SPM मतलब ये सभी मतलब यहाँ से पानी बाहर आता रहता है, यहाँ पे प्योर वाटर भरा रहता है, प्योर पानी, शुद्ध पानी, और ये जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, आपने देखा होगा कई बार, और फिर यहाँ पे नल लगा होता है और उससे हम पानी भर के पीते रहते हैं। बाकी जो हमारी टंकी का जो पानी आता है उसका कनेक्शन सीधा इसमें होता है, जो गंदे पानी होता है उसका, फिर यहाँ से सिलेंडर पर प्रेशर लगा के पानी को साइड में भेजते रहते हैं, ऐसे यहाँ से प्योर पानी हम पीते रहते हैं, ये RO प्लांट का रियल आइटम होती है, मतलब समझ गए। रमोड आपने की है बहुत सर्विस, है ना, ओके, तो पता होगा आपको कि RO में ऐसे सिलेंडर रहते हैं।
अभी ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फार्मूला है उसके बारे में बता देता हूँ। प्रैक्टिकली ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंटली बताई गई है, वो चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी। आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम ये नहीं मानेंगे, आपको मानना पड़ेगा। कुछ चीज़ें तो आपको माननी ही पड़ेगी, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसको आपको मानना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकली ये माना गया है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो ये होता है पाइप प्रपोजल टू सी टी होता है। ये प्रैक्टिकली माना गया है, सी मतलब कंसंट्रेशन, टी मतलब टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के प्रपोजल में होता है। ये प्रैक्टिकली माना गया है, एक्सपेरिमेंट से माना गया है कि जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। ये चीज़ प्रैक्टिकल है और वॉन्टॉफ और फेफर नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये प्रूफ किया है। वॉन्टॉफ और फेफर ये चीज़ प्रूफ करने के लिए बॉयल, चार्ल्स गैलिशेक, एवोगैड्रो उनके रूल का यूज़ किया गया है। पुराने सिलेबस में पूरा इसका थियरम था कि ये पाइप प्रपोजल टू सी टी कैसे निकल के आया है, लेकिन नए सिलेबस के हिसाब से ये थियरम कोई काम का नहीं है, इसीलिए मैं आपको थियरम नहीं समझा रहा हूँ, डायरेक्ट यही बोल रहा हूँ पाइप प्रपोजल टू सी टी है ना, तो ज़्यादा टेंशन नहीं ले। चौटे चौटे ग्रेन निकलते हैं काले काले, आए हाय अच्छा है ना, तो ये ध्यान रखना पाइप प्रपोजल टू सी टी ये प्रैक्टिकली हम मान लेंगे। यहाँ से प्रपोजल को हटाना है तो एक है हमारी राधा, उसको हम बुला देंगे जो प्रपोजल को उठा देगी, तो ये बनेगा पाई इज इक्वल टू सी आर टी। क्या बनेगा? पाई इज इक्वल टू सी आर टी, और यहाँ पे सी जो है वो कंसंट्रेशन है, इसको हम मोलारिटी में लिया करते हैं, और सी जो है कंसंट्रेशन वो क्या होता है एन बाई डी है ना, मोल पर लीटर। ये कंसंट्रेशन सी जो है वो मोल पर लीटर होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू एन बी आर टी, और मोल सबको पता है मोल क्या होता है, तो मोल जो है एन वो होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर मास है ना, मोल जो है वो होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी बाय जी एम एम वी, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते थे पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी बाई जी एम एम वी। तो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला, जिसके अंदर मैं जो फॉर्मूला लिखा था पाई इज़ इक्वल टू डब्ल्यू आर टी बाई जी एम एम वी, उसके अंदर मैंने जो मॉलिक्यूलर मास जो आपको निकालना था उसके ऊपर मैं बात कर रहा था। यहाँ पे आर जो है वो कांस्टेंट है, आर की वैल्यू यहाँ दो अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, 0.0281 एटीएम इसमें भी आप ले सकते हैं आर का वैल्यू, और आर का वैल्यू ऑफ 8.314 × 10⁻²² बार इसके अंदर भी आप आर का वैल्यू ले सकते हैं। अगर यहाँ पे एटीएम नहीं होता, एटीएम लीटर इनवर्स कैलिन इनवर्स मोल इनवर्स, नीचे बाहर लीटर इनवर्स कैलिन इनवर्स मोल इनवर्स बड़ा होता है, लेकिन बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैंने लिखा नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर एक चीज़ खास ध्यान रखें, ये जो वॉल्यूम है वो लीटर में लिया गया है, यहाँ पर मैं मोर्सिंग की सकल बना रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लेना, मोर्सिंग इसलिए ड्रॉ किया गया है कि इस फॉर्मूले में जो वॉल्यूम है वो लीटर में है। ज़्यादातर फार्मूले में वॉल्यूम जो हमने लिया है वो एम एल में लिया है, ये एक ऐसा फार्मूला है कि जिसके अंदर हमने वॉल्यूम लीटर में लिया है, ताकि आपको ज़्यादा पता रहे ज़्यादा याद रहे। आर की वैल्यू कब कौन सी लेनी है, आर की वैल्यू अगर एटीएम वाली लेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम में आएगा, आर की वैल्यू अगर बार वाली लेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बार में आएगा, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमें कैलोरी में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू जब भी दी जाती है तब टेम्परेचर कैलोरी में ही लेना पड़ता है, क्योंकि आर के साथ हमेशा कैलोरी का एक बहुत अंदरूनी रिश्ता रहा है, और ये रिश्ता पब्लिकली मैं आपको बता नहीं सकता, थोड़ा पर्सनल रिश्ता है आर और कैलोरी का, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप कहीं ना कहीं आर रखने जाते हैं तब टेम्परेचर ऑटोमेटिकली पता नहीं क्यों कैलोरी में आ जाता है, समझ गए ना, टॉप सीक्रेट है जो हम आपको नहीं बता सकते, यही है ये। बाकी ये फॉर्मूला है पाई इज़ इक्वल टू आर टी बाई जी एम एम वी है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर का, बाकी पुराने सिलेबस में पूरा प्रूफ के साथ था, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ओवरऑल हमें काम तो इस पर ही करना है, पाई इज़ इक्वल टू आर टी बाई जी एम एम वी
और कई बार क्या करते हैं डब्ल्यू बाई वी इसको डेंसिटी मान लेते हैं, है ना, डब्ल्यू बाई वी को हम डेंसिटी मान लेते हैं। तो ये फॉर्मूला ऐसा भी बन सकता था पाई इक्वल टू पी आर टी बाय जी एम एम, है ना, ये फॉर्मूला ऐसा भी बन सकता है पाई इज इक्वल टू पी आर टी बाई जी एम एम, क्योंकि डब्ल्यू बाई वी उसको हम डेंसिटी भी कह सकते हैं, रेगुलर वॉल्यूम उसको क्या बोल सकते हैं डेंसिटी। तो कभी कभी ये फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी बाई जी एम एम ऐसा भी बन के आ सकता है ना, तो आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला ये भी बन के आ सकता है। तो फॉर्मूला रियल में भी ये है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, फिर सी की वैल्यू रखी पाई इज इक्वल टू एन वी बाई आर टी, उसके बाद एन की वैल्यू रखी तो पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी बाई जी एम एम वी, डब्ल्यू बाई वी को डेंसिटी समझ लिया तो फॉर्मूला ये बन गया पाई इज इक्वल टू डी आर टी बाई जी एम एम। तो ये सारे फॉर्मूले ऑस्मोटिक प्रेशर को लेकर के थे और यही थी थियरी हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। कल हमें बात करना है टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके अंदर आइसोटॉनिक सॉल्यूशन, हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन और हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन के बारे में हम समझेंगे। और मैंने शायद आपको पहले बता दिया है कि हमारा जो आर बी सीज होता है वो 0.91% वेट बाय वॉल्यूम प्योर एन ए सी एल के सॉल्यूशन के साथ आइसोटॉनिक होता है। अगर मैंने ये चीज़ें आपको पढ़ा दी हो पहले, देखो मेरे को याद नहीं होता कि मैंने गुजराती मीडियम में क्या पढ़ाया, इंग्लिश मीडियम में क्या पढ़ाया, याद नहीं होता क्योंकि मैं पढ़ाते रहता हूँ। अगर आपने पढ़ लिया हो आइसोटॉनिक हाइपोटॉनिक हाइपरटॉनिक तो मना कर देना, तो कल मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा, और अगर बाकी हो तो बोल देना पढ़ा हुआ, क्लियर। फिर एक टॉपिक है यूज़ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, फटाफट से अभी बोल रहा हूँ याद रखना, यूज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यूज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो एक काम करना, रीड करने वाली चीज़ है उसको आप रीड कर देना बुक में से, कल मैं फटाफट से बोल दूंगा और समझा दूंगा एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर यूज़ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसा सब लिखा है कभी ग्रैब है ना, कोई इसमें ड्राई ग्रैब्स है उसको पानी में डालोगे तो वो फ्रेश हो जाएगी क्योंकि वो ऑस्मोसिस करती है, पानी खींच लेती है। जो फूल होते हैं ना, फूल की जो पंखुड़ियाँ होती है, अगर वो करमा गई है मतलब एकदम ऐसे बैंड हो गई फूल की पंखुड़ियाँ, ऐसे फूल की पंखुड़ी को पानी में डालोगे वो फ्रेश हो जाएगी। हमारी बॉडी में है ना, ट्रीज में जो पानी ऊपर चढ़ता रहता है, ट्रीज में आपको पता होगा पानी ऊपर जाता है उसको क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ से, है ना, पानी का ऊपर जाना ट्रीज के अंदर, तो वो ऑस्मोसिस के कारण है। जो सीड्स होते हैं, सीड्स को हम जमीन में डालते हैं तो सीड्स के अंदर क्या होता है कि जो उनकी डॉर्मेंसी होती है, सीड डॉर्मेंसी मतलब सीड्स सोए रहते हैं, फिर उसका जो सीड का जो बाहर का लेयर है वो फटता है पानी अंदर लेके, पानी एब्जॉर्ब करके इम्बिशन करें, आपने ऐसा बारे में पढ़ा होगा, सीड्स वाटर एब्जॉर्ब करके उसका लेयर फटता है फिर उसके अंदर से एक नया ट्री निकलता है, तो वो भी ऑस्मोसिस के कारण ही होता है। हमारी बॉडी में जो कि फूड मतलब फूड वैसे बनता तो हमारे स्टमक में है लेकिन पूरे बॉडी तक वो फूड पहुँचता रहता है, ये भी ऑस्मोसिस के कारण होता है। ट्रीज के अंदर रूट से लेके ऊपर उनके हेड तक वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन या फिर जो भी फूड ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी ऑस्मोसिस के कारण होता है। तो ये सब लिखा हुआ है, आर बी सीज है उसको अगर प्योर वाटर में रख दिया जाए तो आर बी सीज प्योर वाटर में से वाटर को अंदर ले लेंगे, है ना, उसको बोलते हैं इनर ऑस्मोसिस कर देंगे, और आर बी सीज फट भी सकते हैं, टर्गर बन जाता है सेल, ऐसा कुछ आता है ना, सेल टर्गर हो जाता है ज़्यादा पानी लेके, या फिर हमारे पास आर बी सी है उसको हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर रख देंगे तो उसका प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा और एकदम से सेल जो है वो सिकुड़ जाएगा। तो ये सब एप्लीकेशन है ऑस्मोसिस की। बायोलॉजिकल बातें हैं, आप देख लेना, कभी उस पर से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन खाली ऐसे ही लिखा है बुक के अंदर एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठोका हुआ है टॉपिक तो देख लेना बस यही लिखा है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार फिर से बोल दूंगा ऐसा होगा तो, बाकी कोई काम का टॉपिक नहीं, कोई यूट्यूब टीचर्स अभी पढ़ाते नहीं हैं, क्लास में भी कोई कभी पढ़ाता नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। मैं जो बोला वही है, बस ग्रेप्स का है वो फूल का है, करने हुए फूलों का, फिर ट्रीज का है, फिर हमारी बॉडी का है, फिर आर बी सी का है, और सीड्स का है, क्योंकि सीड्स जो होते हैं और कुछ नहीं, क्लियर, मतलब हो गया ख़त्म। फिर भी एक बार कल रिविज़न करते हैं उसको, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ख़त्म हो रहा है, और शायद कल इस चैप्टर की लास्ट थियरी जो है एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास वो हम ले लेंगे,
लास्ट थियरी है चैप्टर का एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वांट ऑफ फैक्टर। वैसे देखा जाए तो सीबीएसई ने ये जो थियरी है उसको डिलीट कर दिया है सिलेबस में, आप देख लेना एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर उसको कट कर दिया है सीबीएसई ने सिलेबस में से इस साल, लेकिन फिर भी हम कल उसको देख लेंगे और उसके ऊपर से एग्जाम्पल वगैरह उसकी थोड़ी प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूँगा। कल थियोरेटिकल पार्ट इस चैप्टर का ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सारे के सारे एग्जाम्पल आपको करने रहेंगे, दो तीन दिन में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कल थियोरेटिकल पार्ट ख़त्म, उसके बाद एग्जाम्पल आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में करते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण।